राइट गेम्स ने ब्लीडी स्पोर्ट्स को वीसीडी पैसिफिक से रिमूव कर दिया। आइए जानते हैं इस डिसीजन के बारे में। राइट गेम्स ने ब्लीडी स्पोर्ट्स को वैलोरेंट चैंपियन स्टोर और वीसीडी पैसिफिक से रिमूव करने का फैसला लिया। टीम पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के कुछ क्रिटिकल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और ऑब्लिगेशंस को पूरा ना करने की वजह से ब्लीडी स्पोर्ट्स को रिमूव कर दिया गया। ये डिसीजन लेते ही तुरंत राइट गेम्स ने इस डिसीजन से अफेक्टेड इंडिविजुअल प्लेयर्स को इन्फॉर्म कर दिया था, ताकि वो अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाए। राइट गेम्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उनके मेरिट बेस्ड क्वालिफिकेशन के कमिटमेंट के मुताबिक एसेंशन पैसिफिक 2024 के रनर अप भूमि स्पोर्ट्स को ब्लीडी स्पोर्ट्स के वेकेटेड स्लॉट पे प्रमोट किया जाएगा। ब्लीडी स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया पे कहा कि इस आउटकम से वो बहुत निराश हैं, लेकिन वो राइट का डिसीजन रेस्पेक्ट करते हैं और इस प्रोसेस में कोऑपरेट करेंगे। पिछले एक साल वो अपने टीम पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के डिलीवरेबल से रिलेटेड इश्यूज के लिए रायट के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज सैटिस्फैक्टरी तरीके से रेक्टिफाई ना होने की वजह से उन्हें वीसीडी पैसिफिक से टर्मिनेट करने का डिसीजन लिया गया। आपके इस टर्मिनेशन के बारे में क्या विचार है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही गेमिंग और ई स्पोर्ट्स से जुड़ी और खबरों के लिए पेंटा ई स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए।